तो चलिए आज बनाएंगे हम 5 मिनट में ये इतनी टेस्टी सब्जी कि मजा आ जाएगा आपको। हमने यहाँ पे कढ़ाई में एक बड़ी चम्मच तेल और एक चम्मच जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाला है। ये मैं राई डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ, एसाफोइटिडा, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, आप इसको एज इट इज भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, एक बंच लिया है, हरा प्याज, हरा प्याज इसको वॉश कर लिया और बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको सौते कुक हो जाएगी थोड़ी, मसाले डाल के इसको भूनेंगे। मैं इसमें नमक डाल दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये धनिया पाउडर डाल दी मैं 1/4 टेबल स्पून, जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, इसको मिक्स कर लेंगे। कोरिएंडर पाउडर एंड रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर हमने डाला है। अभी इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं अपनी मॉम विजय आलिया जी के संग आपको दिखाने के लिए आज ये जबरदस्त 5 मिनट में बनने वाली सब्जी, जो आप गारंटी इतनी अच्छी लगेगी ना आपको मज़ा आ जाएगा खाने में और बहुत आसान होती है। देखिए हरा प्याज है, मसाले भी एकदम इजी होती है पर खाने में बहुत अच्छी लगेगी आपको ये हरे प्याज की स्प्रिंग अनियन की सब्जी। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए। जितना आप लाइक शेयर करते हैं मॉम उतनी नई नई रेसिपीज़ देखिए आपके लिए लेके आती रहती है। तो इस रेसिपी का नाम है बेसन हरे प्याज की सब्जी, यस स्प्रिंग अनियन चिकपी फ्लावर के संग हम बनाएंगे यहाँ पर। अब मैं इसमें ये बेसन डाल रही हूँ। हाँ हाँ, ये कच्चा है या रोस्टेड? कच्चा, अब इसी में रोस्ट करेंगे हम सब्जी में। अच्छा, सब्जी में हो जाता है तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है बेसन, 3 चम्मच। हाँ, इसको इसी में रोस्ट हो जाएगा, 2 से 3 मिनट अपन इसको कुक करेंगे, सब्जी और बेसन दोनों ही कुक हो जाएंगे अपने। थोड़ा सा और डालूंगी मैं, आप बेसन अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं, जब भी आप खाना खा रहे हैं गर्मा गर्म और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ये लेमन जूस डाल देंगे। और मम्मी तो ये सालों से बनाती आ रही है, राइट मॉम? बचपन से बनाती आ रही है, बहुत टेस्टी लगती है। इसको ढक के रख देंगे और इसको 2 से 3 मिनट कुक होने देंगे, राइट? 2 से 3 मिनट इसको कुक होने देंगे और आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। 2 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे कुक होने दीजिएगा ताकि बेसन रोस्ट हो जाए। बस बस, और तो सारा कुछ, क्योंकि अच्छा हरा प्याज है इसको भी ज्यादा कुक नहीं करना है अपने को। हाँ, सौगी हो जाएगा और बेसन हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। हाँ, रेडी हो गई अपनी, बिल्कुल देखिए रेडी हो जाएगी 2 मिनट में। अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर मन कर रहा है खाने का तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारा लंच रेडी है, बाय बाय एवरीवन, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय।